हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेस्टिनी। और देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं इश्यूज़, मसलों की बात करता है, कहीं किसी लेवल पर रिजेक्शन और अकेलेपन की भी बात करता है। और देखिए, सबसे पहली बात एक्वेरियस, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप चीज़ों को बेटर भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, देखिए, वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले या फिर बड़े इश्यूज़ नहीं होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हमें ज़्यादा परेशान करती हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड इस वीक कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे भी सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका खर्चा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कोई पेमेंट आनी थी वो डिले हो रही है। तो देखिए, फिर से सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल, पैसे, फाइनेंसेस से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी इंसान से आपने किसी हेल्प, किसी सपोर्ट की उम्मीद करी थी और उस तरीके से आपको वो हेल्प, वो सपोर्ट उस इंसान से नहीं मिल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से इतनी कोऑपरेटिव सी एनर्जीज नहीं हैं, कहीं उनके साथ ही एक इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि भाई वो आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो एक्वेरियस, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज हैं। और कभी कभी देखिए ऐसा हो रहा होता है, कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो किसी भी चीज़ को आप लिटरली ना लें। और देखिए, जहाँ पे आपको अच्छा ना लगे वहाँ अपने आप को आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें। और देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे डेस्टिनी का कार्ड कहीं गुड फॉर्चून की बात करता है, यूनिवर्स की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज की बात करता है। और देखिए, जब यूनिवर्स हमें सपोर्ट कर रहे हों या फिर जिस गॉड को हम मानते हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हों, तो लोगों के सपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी देखिए, जो यूनिवर्स का सपोर्ट होता है वही अल्टीमेट होता है। तो देखिए, जहाँ एक तरफ सरफेस लेवल पे हो सकता है कि आपको लग रहा हो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, वहीं देखिए अगेन यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर से नटशेल में देखिए, इश्यूज़, मसले हैं, लेकिन बहुत आसानी से इन इश्यूज़, इन मसलों से आप बाहर भी निकलते हुए दिख रहे हैं। कहीं यू नो लक आपको फेवर करता हुआ दिख रहा है, कहीं डेस्टिनी आपका साथ देती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड अवेयरनेस। और देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं मूवमेंट, शिफ्ट की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है तो ये मूवमेंट, शिफ्ट सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि इस वीक या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन किसी भी लेवल पे इस वीक हो रहा है। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मूवमेंट, शिफ्ट की बात करता है, तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, आप अपने आप को बहुत अटका हुआ पा रहे थे,
तो उसमें से भी इस वीक आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सबके लिए अगेन डिफर कर सकता है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप कोई इंसान हो सकता है जिनसे आप यू नो टेम्परेली या फिर परमानेंटली मूव ऑन करना चाह रहे हैं या फिर मूव ऑन कर रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए अवेयरनेस का कार्ड कहता है कि आप बहुत अलर्ट होके बहुत कॉशियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं, कहीं यू नो एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी इस वीक आपकी रह सकती हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए प्योरिफिकेशन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है इट इज़ टाइम फॉर अ क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो हो सकता है कि पीछे या इस वीक भी चीज़ों को लेके आप एक प्रेशर एक टेंशन ले रहे हैं। और देखिए ऐसे में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपना एक प्योरिफिकेशन करें, हम यू नो अपनी ही एनर्जीज़ को डिटॉक्सिफाई करें। और देखिए इसके लिए आप सी सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नहाने के पानी में आप सी सॉल्ट डाल सकते हैं। और देखिए जब हम स्पिरिचुअल लोगों से कनेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअल जगहों को विज़िट करते हैं, तब भी कहीं एक प्योरिफिकेशन हमारे माइंड और बॉडी का होता है। तो देखिए मैं तो सिस्टर शिवानी को सुनती हूँ और उनको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक सुकून मिलता है। और अगर आप चाहें तो आप बी के सिस्टर शिवानी को सुन सकते हैं या फिर जिस भी मोटिवेशनल या फिर स्पिरिचुअल गाइड को आप फॉलो करते हैं जिनको सुन के आपको अच्छा लगता है, उनको इस वीक आप ज़रूर सुने। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना आप कनेक्ट कर पाए।